आज हम लोग ने जो है ना शादी पे जाने, एक रेडी की बारात पे, तो गाड़ी हमारी जो है ना रेडी हो गई है। हमारी काफी हद तक जो है अच्छी दिख रही है। क्या बात है, वेरी नाइस। ये है हीरा के लिए। अरे मैं भी करता था भाई हूँ। निकल हेलो जी, बाल काफी आ गए आपके भाई के। अब तो मेरे ख्याल से टोपी पहनने की जरूरत नहीं है वैसे। पूछा मैंने कुछ, लेकिन आज हम लोग ने जो है ना शादी पे जाने, एक रेडीप की बारात पे, तो वहाँ पे बच्चे बुच्चे होते हैं ना, वो मुझे तबला समझ के जो है ना टिंडी पे जो है ना थप्पड़ छप्पड़ मारते रहते हैं। टोपी तो पहननी पड़ेगी। अरूप जो है गई हुई है अभी सलोन, ठीक है रेडी होने, उसको जो काफी टाइम लगेगा आने में, इसलिए मैंने कहा हम लोग जी करके जो है ना व्लॉग रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो वेलकम बैक हो गया तुम सबके ना व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की बाई व्लॉगिंग ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो आज जो है ना हमारे पास ये दो चॉइस है, एक हमारे पास ये गोल्डन गोल्डन सा जो है कुर्ता है, एक हमारे पास ये ब्लैक कलर का सॉफ्ट मटेरियल में है। मुझे समझ नहीं आ रही इन दोनों में से पहनू कौन सा। मुझे तो ब्लैक वाली समझ में आ रही है क्योंकि आज बारात है, ये थोड़ा मेहंदी और माइयो टाइप जो है ना कलर है, और ऊपर से जो है ना इसका कपड़ा भी सॉफ्ट है, तो मैं तो कहता हूँ यही वाला ब्लैक वाला पहन लेते हैं। जो रुखसती वाली गाड़ी थी ना वो उसके कुछ डिलीवरी के अंदर जो है ना कोई मतलब कोई मसला मसला आ गया था, लेकिन मैंने कहा कोई मसला नहीं, हम लोग जो है अपनी फॉर्च्यूनर को जो है ना थोड़ा रेडी रेडी कर लेते हैं, सजा देते हैं, फिर वो जो है उनके इस्तेमाल में आ जाएगी भाई। अभी जो है ना फॉर्च्यूनर को सबसे पहले तो थोड़ा साफ करवा लेते हैं, फिर इसको जो है ना किसी फ्लावर शॉप ले जाते हैं, थोड़ा इसके ऊपर जो है ना डेकोर शेकोर करवाना हमने भी। जब फारिग हो जाओगे ना सिर्फ पानी फेर देना इस पे, सिर्फ पानी, जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है, बस दो मिनट लगा के। मैंने शादी पे जाना है ना तो बस जल्दी जल्दी, बस जो मट्टी मट्टी ऊपर लगी है सिर्फ वो साफ कर दो बस। अभी वॉश होने के लिए दी हुई है, ठीक है, जैसे ये वॉश होती है ना फिर हमें फ्लावर शॉप भी जाना है। तो गाड़ी हमारी धुल तो गई है, साफ हो गई है, मैंने बस उनको कहा था कि जल्दी जल्दी जो है ना कर दें, तो बस जितनी हुई है उतनी हुई है। वो सामने जो है फ्लावर शॉप है, ठीक है, वहाँ से जो है ना हम लोग गाड़ी भी सजा लेते हैं। कितना टाइम लग जाएगा अंदाजन भाई, बस कोशिश करो जितनी जल्दी हो सकता है ना कर दो, थोड़ी देर में बस, ठीक है फटाफट जो है ना हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ना ये ऑप्शन है, ठीक है, आगे बुके वगैरह लगा देंगे, थोड़ी गाड़ी सजा देंगे। अभी भाई देखते हैं क्या करेंगे, फाइनल लुक में जो है ना तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ स्कून से। A few inches later. तो गाड़ी हमारी जो है ना रेडी हो गई है, हमारी काफी हद तक जो है अच्छी दिख रही है, ठीक है, सामने बुके हो गया, ठीक है, छोटे मोटे फूल शूल हो गए, काफी मजे का जो है ना सिस्टम हो गया है, और अब चलते हैं सीधा वेन्यू पे। हाँ जी रेडी, तुम्हारा दुपट्टा बाहर आया हुआ था, बस आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वेन्यू पे जाने से पहले जो है ना हमें पकड़ने हैं सलामी के पैकेट छोटे छोटे, क्योंकि आज बारात है, पहले चलते हैं सीधा बुक स्टोर, सलामी के कुछ पैकेट्स देना छोटे, तीन दे दो तीन, चलो वसीन का बिल कर दो। यू नो मैंने सलामी के पैकेट्स वगैरह पकड़ लिए, ठीक है, मैंने नाम नूम को नहीं लिखे, स्कूल से ले लेना, पीछे पीछे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो सलामी के पैकेट्स वगैरह भी पकड़ लिए, अब चलते हैं सीधा वेन्यू पे, बारात निकल चुकी है, हमें जो है ना बीच रास्ते से उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, टाइम पे माशाल्लाह। अच्छा नहीं, बाकी टाइम पे आए हैं, लेट आए हैं? जेन्युइन टाइम पे, 5 मिनट पहले मैं आया। मैं कसम से, मैं यार बस मैं थोड़ा करता रहूं, मैंने आपको अपने साथ लेके जाना, मैंने कहा कोई करने साथ मेरे साथ आया, रूप साथ मेरे साथ आए। बड़े प्यारे लग रहे हो यार, बड़े प्यारे लग रहे हो, सो मच। मैंने अभी शादी होने की, ये हो रही है इकरा की एंट्री। वेरी नाइस, क्या बात है, नाइस यार, दिस इज नाइस। पूरे घर वालों ने इसको उठाया हुआ था, मजे का था। शादी मुबारक, तो यार रोटी छोटी खुल गई है, और एंड लुक हु जॉइन, लुक हु केम ऑल सूटेड बूटेड। अरे यार कैसे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक ठाक, आयशा आप कैसी हैं, ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। रोटी छोटी कैसा है, मजे का टेस्ट है,
रोटी नहीं खा रहा मैं, चावल खा। चावल वैसे कैसा है, टेस्ट कैसा है? मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ पता है, मैं नहीं खा रहा बहुत। चल झूठा, मैं बहुत कम खा रहा हूँ। जैसे मुझे फील हो गया तू डाइटिंग पे, फील हो गया ना भाई। मैं सुबह उठ के जो है अब अपना आलमंड और उनका मैं मिल्कशेक पीता हूँ, उसके बाद मैं सारा दिन भूखा रहता हूँ, फिर दिन का 12 ग्लास पानी पीता हूँ। बड़ा काम सेट हुआ है भाई। आलमंड मिल्कशेक इज एक्चुअली अनहेल्दी। अच्छा, लेकिन तू लगा रहे लेकिन आज मुझे दिल कर रहा है कुछ पार ही ले हैं। ये है क्या, मटन है? मटन है भाई, मजेदार भाई। दूध पिलाई की भीख मांगते हुए, सारे भीख मांगते हुए भीख। अच्छा वैसे निकलवाने कितने हैं मुझे थोड़ा बता। 50 लाख। उसको गाड़ी बेचनी पड़ जानी है यार। मैं रीपर डिफेंड करूंगा भाई यार। 50 लाख, 5,000 से ऊपर हम नहीं देंगे यार। तुम इकरा की तरफ, मैं अरीब की तरफ। अरूप को ले जाओ, अरूप अरूप को करेगी डिमांड। अगर 50% मेरा तो मैं अरीब को हरवा दूंगा। 10 लाख निकलवाते हैं, 5 लाख मेरा, 5 लाख आप बांट देना। मैं बहुत तेज हो रहा हूँ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आपके साथ ही हूँ, आपके साथ, अरीब के साथ, हम अरीब के साथ हैं। 50,000 दिए मुझे, तू 25 ले ले। मिनिमम करेंगे मुझे मंजूर। 5,000 तक ले आए। ओके, पार्टी बदल लिया साला। अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे ही आती मांगना शुरू तो नहीं हो जाना ना यार, एक तरीके से। कत्ते रखे हैं, माफ हो सकती है। आपने ये बताना है जिसमें से दूध नहीं निकलेगा ना, जिसमें से आपने दूध पी लिया अगर आपको मिल गया तो जीत जाएगा। मैं आपको बता दूंगा सारा, मैं प्लान देख के आया हूँ सारा। हाँ दूध में जहर मिलाया हुआ। फिर मैं तो कहता हूँ रीब दुल्हन को चुको, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अगर आपका निकल आया अंदर से तो आप यूज़ लाई मांग। इतनी साइंस नहीं मैं खेल रहा, कोई बात नहीं। अच्छा एक सेकंड, डिमांड क्या, आप लोगों की डिमांड भी तो बताओ ना। हमें चाहिए 50 लाख। कितने जीरो होते हैं? एक सेकंड, एक मिनट, इतना तो पाकिस्तान पे कर्जा नहीं है। सही सही बात है, सही बात है। अच्छा 50 लाख में कितने जीरो होते हैं, काउंट किए बगैर बताओ जल्दी। इसके हिसाब से 50 लाख में 5 जीरो होते हैं। अब उसको वैल्यू उतनी ही मिली। हाँ इस वैल्यू का आपको पता ही है, वो आप मांग रहे उससे। 5 बोल दिए, मेरे पास कैप्चर हो गई है। ठीक है 6,000 रुपए दे दो। ये वाला तो दूध बिल्कुल, ये दूध तो है ही नहीं, ये भी दूध नहीं है। अच्छा मैं टेस्ट करेंगे पहले। राबिया उस बेचारे को कुछ हो गया फिर यार, उस बेचारे को कुछ हो गया, उसके लिए टेस्ट टेस्ट में स्पेशल धोने के लिए और पीने के लिए आई है। तारों की शादी हो चुकी है, हम भी धोले, हम भी धोले। किसी को कोई शक है कि मैं और डकी धोले नहीं है? देखो मेरी तो दुल्हन भी साथ है, मेरी तो दुल्हन लेके आया हूँ मैं साथ। कोई तरीका है भीख मांगने का? भाई जान, एक तो हमारे बॉय ने दूध पीना नहीं, उसको जबरदस्ती पहले कन्विंस किया पी लो, फिर जो पीने की कोशिश करे टेप लगी हुई है। 5 लाख 50,000 में डील हो गई है। अच्छा सुनो, एक से 50 पकड़ो, लाख का कुछ करते हैं। प्यारी बेगम जी की प्यारी बहने हैं, उधर कुछ देंगे। ये है हीरा के लिए। अरे मैं भी इकरा का भाई हूँ। निकल, इकरा की सबसे बड़ी बहन हूँ मैं भी बहन हूँ। ये देखो इकरा की बहन, ये है फातिमा का, ये है राबिया का भाई। भाई आप इसको वेट तो करवाओ, आप इसका वैसे किसी ज्वेलर शॉप पे जाके आप इसका रेट तो लगवाओ। हाँ वो नहीं नहीं मेरे सामने लिया इसने 10 लाख ईच का। हाँ 10 लाख का है। ओ भाई यार यहाँ पे कोई ज्वेलर बैठा है, ज्वेलर दिखाओ, मैं देख के बताऊँ कितने का है। ये मेरा हो गया,
इसने टच किया उसको। चलो जी दूध पिलाई हो गई है। तो यार इवेंट हो गया खत्म, ठीक है, बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया, रुखसती भी हो गया इकरा अरीब की, कांग्रेचुलेशन अगेन इकरा और अरीब, अच्छा अच्छा टाइम गुजारो, अच्छा अच्छा साथ दो एक दूसरे का। अभी चलते हैं सीधा घर। One hour later. हाँ जी, खाने में क्या है आज? खाने में सालन मैंने गरम होने रखा है। सालन? अम्मा यार मैंने आपको कहा मैंने वेट लॉस करना है, आपने दोबारा ग्रीसी से सालन बना दिया। ये देखे ना तेल वेल है इसमें, अभी वो बटर मक्खन शक्कर। अम्मा जब वेट लॉस करना होता है हेल्दी खाना तो फिर ये जीरो होना चाहिए, जीरो, कोई सब्जी या फ्रूट्स नहीं है। हाँ ये नहीं, बस ये अच्छा? ये बिल्कुल ठीक है। ओए होए होए, भाई शुक्र है मामा ने जो है ना फ्रूट चाट बनाई हुई थी हेल्दी। भाई वैसे ये जो किसान होता है ना, गेम सारी उनकी है भाई, वो ना होते तो हमें इतने हेल्दी और न्यूट्रिशनस फूड्स कहाँ से मिलती भाई। दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं कि वो हमारे घर तक जो है क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह जो है वो हमारे घर तक पहुंचा सकें। और सुनने में तो काफी आसान लगता होगा कि यार सिर्फ बीज हमने जो है जमीन के अंदर डालने हैं, पौधे उगाने हैं, उनको हार्वेस्ट कर लेना है। हम लोग भी जो है जमीन खोद के, हमारे पास एक लेमन सीड्स हैं। अब सोचो यही काम एकड़ों की जमीनों पे हो रहा है। तो फातिमा फर्टिलाइजर जो है वो किसान डे सेलिब्रेट कर रही है 18 दिसंबर को, टू अप्रिशिएट किसान जो हमारे लिए इतने न्यूट्रिशन से भरपूर फूड्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल जो है हमारे घर तक पहुंचाती है। और सरसब्ज ने जो है इसी चीज पे वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब, तो आप लोग वहां पे जाओ, उनके चैनल को भी सपोर्ट करो, वो वीडियो भी देखो, उनके कमेंट में उनको थैंक यू बोलो, अप्रिशिएट किसान ऑन 18th ऑफ दिसंबर। अ फ्यू इंचेस लेटर। अरे भाई शादी से फारिगो के आगे थे घर, यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई ब्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। ओ,